जयपुर राजधानी के पवित्र धरती पर इस आयोजन ऐतिहासिक रैली का करने वाले हमारी अनुजाति जनजाति संगठन एवं अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी, उनके नेताओं के नाम लेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। आदरणीय बेरवा साहब, बीएल आर्य जी, डीजी रवि मेहरा जी, सतवीर जी मेरे सामने विराजमान इस विशाल सभा में, मंत्री हमारे भजनलाल जी जाटव जो कि पीडब्ल्यूडी देखते हैं, ममता भूपेश जी, टीकाराम जूली जी जो कि समाज कल्याण मंत्री है, हमारे खिलाड़ी बेरवा जी बोले अभी, भाई पद्माराम जी, सोलंकी जी, लाखन सिंह जी विधायक, अमर सिंह जी जाटव, पद्माराम जी चौहटन, और अगर मैं नाम लूंगा तो लंबा समय लगेगा क्योंकि वक्त बहुत है, मेरी मां बहन है और पूरी राजस्थान से पधारे हुए मूर्तियों से महंगे हमारे दलित भाइयों, भीम सैनिकों, किसान भाइयों, मैं मंत्री होने के नाते आपका जयपुर की धरती पर स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं दो नारे दूंगा और आप मुट्ठी तान के जोर से नारा देंगे जो हमारे बच्चियां हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जय भीम। हाथ नहीं उठ रहे हैं, मतला तना हुआ होना चाहिए, क्रांति का आगाज है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, बाबा साहब ने कहा था मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पे चले। बाबा साहब ने कहा मुझे मंदिरों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आपके अंदर हूं, पुस्तकों में हूं। आप जानते हैं पुस्तक भारत की या विश्व की कोई बोलती नहीं, लेकिन सारा ज्ञान उनमें भरा हुआ है। वो डॉक्टर अम्बेडकर रात रात में नहीं बन गए, उन्होंने विश्व में कोलंबिया में इंग्लैंड में पढ़कर 32 डिग्रियां ली, 9 भाषाओं का ज्ञान और भारत का संविधान बनाया। आज हमें गर्व है इस बात का, जो ये दलित शोषित पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हो रहा है, सबको जो वोट का अधिकार मिला है, ये डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई हमें ताकत है। साथियों, आप जानते हैं कि बाबा साहब जब स्कूल में जाते थे उनके साथ में छुआछूत होती थी, वो टाटपट्टी भाग लगा के पढ़ते थे। एक बार स्कूल से जब अपनी ढाणी जा रहे थे, बैलगाड़ी पे बैठ गए और बैलगाड़ी वाले ने पूछा, रहे बेटा तेरी जाति